हाय एवरीवन, मैं आपका दोस्त विनायक गोस्वामी, आपका चैनल बीजी ऑल इन वन में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो को खूब सारा लाइक दीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल बटन दबाना मत भूलिएगा। कोने में होता है सब्सक्राइब का, वो दबाना मत भूलिएगा। ये दबाने से आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल जाएगा मेरे वीडियो का। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो। परंपराएं, नियम हमारे संस्कृति का अहम हिस्सा है। कोविड 19 के बाद से तो कुछ हमारे कुछ नियम विदेशों में भी माना जा रहा है। रिसर्च करके देखा गया है कि हमारी परंपराएं, नियम बहुत से विज्ञान से जुड़ी हुई है। तो आप हमारे हिंदू समाज के कुछ प्रथा को ही ले लीजिए, उससे पता चल जाएगा आपको। माथे पर तिलक लगाए इस मानव को देख के आपको शायद ये पूजा पाठ करने वाले लग रहे हैं। तो आप इस पर वैज्ञानिक रिसर्च क्या कहते हैं आप जान लीजिए। हमारे दो आंखों के बीच आज्ञा चक्र होता है। यहाँ पे तिलक लगाने से हमें कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। तिलक लगाने के समय उंगली की दबाव से माथे पर जाने वाले नसों पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। जमीन पर बैठ के खाना खाने का साइंटिफिक रीजन जानते हैं। दरअसल पालकी मार के आसन करके बैठना एक तरह का योग आसन है। इससे हमारा मन शांत रहता है और डाइजेशन भी अच्छा होता है। हिंदू समाज में एक गोत्र में शादी ना करने के पीछे भी साइंटिफिक रीजन होता है। रिसर्च के मुताबिक सेपरेट जीन्स यहाँ जरूरी होता है। जैसे कि आपके रिश्तेदार या सेम जेनेटिक लोगों से शादी ना करके आप अपने जेनेटिक बीमारियों से बच सकते हैं। कान छिदवाने की परंपरा को ही ले लीजिए, इसके पीछे भी वैज्ञानिक कारण है। ऐसा करने से हमारे कान होकर जो नसें जाता है दिमाग तक, उसका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है और दिमाग भी तेज हो जाता है। आप समझे लड़कियों का दिमाग क्यों इतना तेज होता है। नमस्ते हाथ जोड़ के करने का भी एक वैज्ञानिक तर्क है। आपस में उंगलियों के दबाव से एक्यूप्रेशर प्रोसेस होता है और उसका सीधा असर आपके आँख, कान और दिमाग में होता है, और इस दबाव से आप सामने वाले लोगों को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। तो फिर खाने पे आ जाते हैं। कहते हैं कि खाना पहले तीखे से शुरू करें, फिर मिठाई पे ख़त्म हो। कारण यह है कि पहले तीखा खाने से आपका पेट का पाचन तत्व और अंगल एक्टिव हो जाता है और डाइजेशन अच्छा होता है। तीखा खाके अगर पेट में जलन हो तो मिठाई खाने से इससे आपका जलन दूर हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि पहले तीखा बाद में मीठा। Nice. पीपल पेड़ की पूजा के पीछे भी वैज्ञानिक विकल्प है। उसे कोई भूत प्रेत भगाने के लिए हम लोग पूजा नहीं करते हैं, वे पेड़ के सम्मान में उसे हम लोग पूजा करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा पेड़ है जो सैकड़ों साल तक बचता है और रात में भी ऑक्सीजन हमें देता है। हिंदू महिला मांग में तो सिंदूर लगाते हैं, मगर इसके पीछे क्या कारण है ये वह नहीं जानते। इसका साइंटिफिक रीजन ये है, सिंदूर में हल्दी, चूना और मरकरी होता है। ये लगाने से आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है बॉडी में। चोटी बांधने के पीछे भी साइंटिफिक रीजन है। यहाँ जहाँ पे चोटी बांधा जाता है यहाँ आके हमारे सभी नसें मिलते हैं। तो यहाँ चोटी बांधने से हमारे दिमाग की रक्त चलाचल अच्छा हो जाता है, दिमाग शांत रहता है, गुस्सा कम आता है और दिमाग भी बहुत अच्छा चलता है। इसलिए ब्राह्मण भी देखिएगा यहाँ पर चोटी रखते हैं। तो ये है कुछ नियम परंपराओं के पीछे का लॉजिक। अगर ये नियम परंपराओं के पीछे का साइंटिफिक रीजन समझ लिया जाए, दिल से पालन करना तय ये मानिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।